अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि मौसम इस तरह का आ गया है, विंटर्स में अक्सर मेरा गला ख़राब रहता है, तो ये कब से ख़राब चल रहा है। तो फिर मुझे ये वीडियो शूट करना था। काफ़ी टाइम से मैंने अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, तो मुझे इसका जो एक्सपीरियंस शेयर करना था आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ये बिल्कुल फ्री है। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात करें वाइट गोल्ड वाइटनिंग क्रीम की, तो ये क्रीम मेरी भाभी यूज़ करती हैं, तो उनको मैंने यूज़ करवाई थी, उनसे फीडबैक लिए थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारी वीडियोस में मैं जो भी नुस्खे आजमाती हूँ अपनी भाभी पे आजमा रही होती हूँ, तो क्योंकि वो मेरे सामने होती हैं तो मुझे जो है उसका रिज़ल्ट सामने नज़र आ जाता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसका भी नज़र आ जाता है। पैकेजिंग की बात कर लें तो इस तरह की पैकेजिंग है, येलो और वाइट सा कलर है। प्राइस की बात कर ली जाए तो 250 की रेंज में आपको ईजिली मिल जाएगी। इधर इसके प्राइस है 240, लेकिन आपको ये 250 की रेंज में मिलेगी। मुझे भी ये 250 में मिली है। एक्सपायरी डेट मेंशन है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसके इंग्रेडिएंट मेंशन है, इसके यूजेज मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, चैनल को करें सब्सक्राइब, ये बिल्कुल फ्री है, आपके कोई भी इसके पैसे नहीं लगने। तो फ्रेंड्स, इस तरह की पैकेजिंग में है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि सारी जो है क्रीम्स, फार्मूला क्रीम्स आ रही हैं वो वाइट कलर की है, इसकी बॉक्स में आती हैं, लेकिन ये कंटेनर बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर से पंपलेट भी मिला है, तो इसमें सारा कुछ उन्होंने डिटेल के साथ बताया है। तो मैं आपको टू द पॉइंट बताती चलूँ, आपने इसको यूज़ कैसे करना है। आपने इसको लगाना है रात में, फेस को वॉश करें और इसको आप लगा लें अपने फेस पे, ठीक है। रगड़ना नहीं है, ज़्यादा मलना नहीं है, उससे जो है स्वेलिंग हो जाती है, हमारी स्किन पे एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके यूजेस किस लिए हैं? ये हमारे जो है कलर को करता है फेयर, हमारी जो है झुर्रियों को करता है ख़त्म, कील मुहासों को करता है ख़त्म। इसमें सारा जो है टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है, आपने किस टाइम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, कितने दिन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लें। वैसे मैं आपको टू द पॉइंट बात बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह मेरी जो है वीडियो वो लंबी हो जाएगी, ठीक है। आपने अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी छाइयों को ख़त्म करने के लिए, तो करना है 7 से लेकर 30 दिन तक आपने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आप जो है स्किन को में ग्लो लाना चाह रहे हैं, तो फेयर करना चाह रहे हैं, तो 15 दिन तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपका जो है कलर फेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो है अगर आपके फेस पे जो वो है सॉरी आइज़ के नीचे जो मसला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है एरिया, डार्क सर्कल्स जिसे हम कहते हैं, 15 से 21 दिन तक आपने इसको लगाना है। और कील मुहासे से निकल आए तो 21 से 45 दिन का इसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप लगा रहे हैं कोई और ज़्यादा क्रीम्स लगा रहे हैं, मेकअप की वजह से आपके फेस पे हो गई है एलर्जी, तो उसके लिए आपने लगाना है 7 से 15 दिन तक आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने ये भी बताया गया है कि आपने इसको यूज़ करना है इस तरह, जैसे मैं बताया कि फेस को वॉश करना है, इसको अप्लाई कर लेना है।